जंगे कादसिया के लिए हजरत साहब भी नबी वकास को भेजा, फतुहू शाम पढ़ के देखे। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, अब तो मोबाइल है ना, एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साहब भी नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रस्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था, उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अदा कर दी, ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे, वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई दो दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में अहबाब। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरत? उधर से वो खत लेके आ गया, हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के, हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है, कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई, लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता, वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुजदिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता।